अभी एसडीएमए की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक हो सकते हैं? 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1,00,000 केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं वो चाहे कहीं से भी जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर हो सकता है आपने इस बात का भी आकलन किया होगा कि कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ेगी वैसी स्थिति में जब सारे देश से दिल्ली में केस आएंगे, तो उसका भी उनके पास आकलन नहीं था। इतना जरूर है कि अगर पुराने ग्रोथ रेट को माने दिल्ली में तो 12.6 डेज पर जो डबल होने का है उसमें सबकी सहमति थी कि आने वाले समय में 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स चाहिएंगे, 15 जुलाई तक 33,000 और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स चाहिएंगे। तो ऐसे में एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2-3 दिन में 4 दिन में 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में पास नहीं था। तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे, उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है।